हरियाणा में इनेलो और कांग्रेस के बीच गठबंधन देखने को मिल सकता है। दरअसल अभय चौटाला की तरफ से मिले गठबंधन के ऑफर के बाद अब कांग्रेस में भी इनेलो के साथ गठबंधन करने को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। पूरी खबर क्या है जानने के लिए ये हमारी रिपोर्ट जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करण खुराना और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। हरियाणा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर तमाम पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। इस बीच अब 10 मई को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। हुड्डा के निवास पर होने वाली इस बैठक में सभी विधायक मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे और फिर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला की तरफ से कांग्रेस को मिले संभावित गठबंधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। यानी इस बार विधानसभा चुनाव में जरूरत पड़ने पर कांग्रेस और इनेलो के बीच गठबंधन देखने को मिल सकता है। ये इसलिए भी संभव है क्योंकि दोनों पार्टियों के नेता शुरू से बोल रहे हैं कि वो बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को सत्ता से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बता दें, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इनेलो के साथ गठबंधन को लेकर तो चर्चा होगी ही, इसके साथ ही बीजेपी और जेजेपी के बीच चुनावी गठबंधन को लेकर चल रही तकरार को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में नई दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे खिलाड़ियों के समर्थन में बड़ा आंदोलन खड़ा करने और राज्यपाल से मिलने पर भी फैसला किया जा सकता है। साथ ही चुनाव जीतने के लिए कई अन्य बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद ने कहा कि बजट सत्र के बाद क्योंकि विधायक मिल बैठकर चर्चा नहीं कर सके, इसलिए 10 मई को दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि जब चर्चा होगी तो हर तरह के मसले पर बातचीत और फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।